साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेतु पुरजा 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 कट मरे कब हुना छड़े खेतु गगनंद मामा बाजियो परे ओ निशाने काओ खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जू जन को दाओ मुर्दा हुए मरीद ना गली होवना साबर सिदक शहीद साबर सिदक शहीद परम पाव खोबना जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जै इत मार्ग पैर तरी जै सिर दी जै कान ना की जै एक दिन वाजा वाले सतगुर पासों जी मैं प्रेम सराही पीती एक दिन वाजा वाले माही पासों मैं प्रेम सुराही पीती पिछला जन्म अकारथ हुआ हर की भगत न कीती पाग साडे लिखी फकीरी सो मस्तक तर लीती आगे समझ चलो नंद लाला आगे समझ चलो नंद लाला नंद लाला नंद लाला पाछे जो बीती सो बीती पहले मरन कबूल जीवन की छड़ आस हो सगन की रेणुका तो आओ हमारे पास ओ मरना कबूल ले जाऊं दिया छड़ दे आस मरना कबूल ले ज्यों दियां छड़ दे असां मरना रल के सारे माई भाई ਛੱਡ ਦੇ
मरना कबूल जिंदे तू जीवन दिया छड़ दे आसां मरना कबूल लै जौन दिया छड़ दे छड़ दे आसां जौन दियां छड़ दे आसां जौन दियां छड़ दे आसां जीवन दियां छड़ दे आसां जीवन दियां छड़ दे जौन दिया छड़ दे आसां जीवन दिया छड़ दे आसां जीवन दिया छड़ दे आसां जौन दिया छड़ दे आसां जौन दिया छड़ दे आसां जीवन दिया छड़ दे आसां जौन दिया छड़ दे आसां कबूल मना मरना कबूल लै तू जौन दियां छड़ दे आसां मरना कबूल लै भाई जौन दियां छड़ दे आसां पहले मर कबूल जीवन की छड़ आप ओह सबन की रेन पातो आओ हमारे पास जा तो प्रेम खेलन का चाव सिर तर तली गली मेरिया इत मार्ग पैर दरीजै फिर दीजा कान ना कीजै कबीर जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद जौन दिया छड़ दे आसां जीवन दिया छड़ दे आसां जौन दिया छड़ दे आसां जौन दिया छड़ दे आसां जीवन दिया छड़ दे आसां मरना कबूल मना तू जौन दियां छड़ दे आसां मरना कबूल लै
ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ पहले मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास सर्वात गुरु रूप साध संगत आप बड़े कर्मा वाले हो जो के महान शहीदां दी याद विच महापुरख बाबा ठाकर सिंह पिंडरां वाले अते बाबा गुरबचन सिंह काली कंबली वाले उन्हां दी याद विच चारे साहबजादे माता गुजर कौर ते समूह सिंह शहीदां दी याद विच ए अज दा गुरमत समागम हो रहा है। अज जिथे तीन रागी सिंघां ने कीर्तन कीता तीन रागी जथिआं ने एक जत्था पटियाले तो आया एक नानक सर नकोदर तो आया एक जत्था सुखदेव सिंह नाभे तो आया बाबा गुरजंट सिंह मंडवी वाले ओ कीर्तन करके चले गए हैं अते बाबा संतोख सिंह रुड़के वाले स्टेज ते बैठे हैं जिन्होंने दसां तो पहला कीर्तन किया है जिथे धार्मिक हस्तियां आईया ने उत्थे राजनीतिक शख्सियतां भी आईया कृपा करके स्टेज ते रौला नहीं किसी ने पाउना स्टेज ते तां पाउना ही नहीं बल्कि पंडाल दे विच्चों भी कोई रौले की आवाज़ है जिहड़ी आउणी नहीं चाहीदी। एक घंटा कीर्तन करना है सवा क तीन बजे समाप्ति होजू सानू फिक्र हुंदा आप ए भी संगत ने जाना है जिंदगी सर संगत लंघ गई है पता हुंदा है भी किन्ना कु पंडाल लगदा किन्नी संगत आऊ कदों संगत नू भेजना है ये सानू खुद ही फिक्र है इस करके किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी पंडाल दे विच जिन्ना समय इत्थे बहना पिन ड्रॉप साइलेंस वरतनी चाहीदी है जिन्हों महान शांति कहिंदे ने जिथे अज धार्मिक हस्तियां आईया ने उत्थे राजनीतिक हस्तियां भी सरदार गुरकीरत सिंह कोटली MLA खन्ना वो आके गए ने सुखवंत सिंह सराओं हलका इंचार्ज लहरा गागा वो आए साधु सिंह धर्मशोत MLA साहब वो आए गर्ग साहब जो संसदीय सकत्र हैं भवानीगढ़ वाले जो कि राज मंत्री हैं उन्होंने घरों बीबा जी हुण आए बैठे हैं संगत आईया ने दूरों दूरों जिथे संगत आईया उत्थे पत्रकार वीर बैठे हैं दूरों दूरों संगतां दा आना दुआबे दे विच्चों भी संगत आई है कोई रोपड़ तो आया कोई दुआबे दे विच्चों डिस्ट्रिक्ट कपूरथला हुशियारपुर तक की संगत इत्थे बैठी है संगतां दा हड़ आया होया पंडाल छोटा पै गया जिन्नी संगत पंडाल च उन्नी संगत बाहर लंगर दे विच है बहुत वड्डा इकट्ठ है इत्थे आओ आपां एक घंटा जिहड़ा समांगा कीर्तन दी हाजरी आप संगतां दे समक्ष भरनी है साध संगत
आप जी ने वख-वख बुलारियां दे कोलों साहबजादियां दे बारे बड़ा कुछ सुनिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां ने आ दिनां दे विच आनंदपुर नूं छड्डिया, आनंदपुर दी नींह गुरु तेग बहादुर महाराज ने 1664 दे विच भाई गुरदत्ता रंधावा जो कि बाबे बुढ़े दी वंश विचों सी, गुरु तेग बहादुर महाराज ने नींह उन्हां दे कोलों रखवाई। आ 19 जून नूं जिहड़ा 2015 19 जून दा दिन आ रहा है, इस दिन 350 साल हो जाएंगे आनंदपुर की नींह रखी नूं। 23 तरीक नूं आ गुरद्वारा घोड़ियां वाला है, इत्थों असी नगर कीर्तन लैके जा रहे हैं। साढ़े नाल सिंह साहब ज्ञानी मल सिंह तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार होंगे, भाई बलदेव सिंह बडाला हजूरी रागी श्री दरबार साहब हरिमंदर साहब के ओ होंगे, बाबा मुख्तियार सिंह जी मुखी संत बाबा जरनैल सिंह खालसा के गनमैन ओ साढ़े नाल होंगे। सो 23 तरीक नूं असी बेनती भी करांगे इलाके की संगत नूं भी 8 बजे गड्डियां लैके तुसी इत्थे आ जाओ, चाहे चंगी गल है इत्थों आपां सारे गुरद्वारा घोड़िया वाला जिहड़ा नाभे उत्थे पहुंचीए, उत्थों फिर आपां अगे आनंदपुर साहब वास्ते तुरना। आओ साध संगत, आनंदपुर का नाम पहला सी जिहड़ा माखेवाल सी, माखे दैंत की रूह उत्थे रहा करती सी। जदों गुरु जी आए सतलुज नेड़ों की वगदा है, शिवालक दियां पहाड़ियां हन, तां गुरु जी ने उत्थों का एटमोसफीयर देखिया भी इत्थे तां आनंद वरस रहा है, इत्थे डेरे ला लैने चाहीदे हन। फिर माखे दैंत की रूह नूं महाराज ने तारना कीता, उहदा आधार कीता गुरबाणी दे विच बचन आउंदे हन, पशु प्रेत मुग्ध को तारै पाहन पार उतारै, पूरे गुर की देख वड़ाई, ये गुरबाणी पशुआं प्रेतां मुग्ध मूर्खां नूं तारन की शक्ति रखती है। फिर माखेवाल तो आनंदपुर नाम पै गया। जदों मक्खण शाह लवाणे ने गुरु तेग बहादुर महाराज नूं बाबे बकाले प्रगट कीता, गुरु तेग बहादुर महाराज दे नानके सन, गुरु जी दा नाना बहुत वड्डा शाहूकार सी। जदों छेवें पातशाह ने शरीर त्यागया, छेवें पातशाह पिता जी लगदे सी नौवें पातशाह दे, तां उस समें ते फिर अपनी माता नानकी नूं लै के महाराज सच्चे पातशाह माता गुजर कौर नूं लै करके बाबे बकाले चले गए। उत्थे 27 साल भजन कीता, सिमरन कीता, जो भोरा साहब उत्थे बनिया होया जिहदे विच इक बैठण वास्ते ही थां है। जदों गुरु हरकृष्ण पातशाह ने शरीर त्यागया, आप जी इशारा कर गए कि बाबा वसे जे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले, कि नौवां गुरु है जिहड़ा वह बकाले च वसदा, रिश्ते दे विच्चों भी गुरु तेग बहादुर अठवें पातशाह दे दादा जी लगते सन, क्योंकि गुरु हर राय महाराज गुरु हरकृष्ण दे पिता गुरु तेग बहादुर महाराज दे सके भतीजे सी, भतीजे का जिहड़ा पुत्र हुंदा पोतरा होया करदा है। फिर उस समय ते भाई गुरदत्ते नूं गुरु ता गद्दी दे चिन्ह दे के बाबे बकाले भेज दिता सी, गुरु तेग बहादुर महाराज ने चिन्ह स्वीकार कर ले, आख्या सी गुरदत्तिया सानू प्रगट ना करी, सानू सिमरन दे आनंद विच ही रहण दे। जिहड़े बंदगी वाले हुंदे आ सत संगत तों गुप्त रहना चाहुंदे ने, उन्हां नूं प्रसिद्धि तक कोई मतलब नहीं हुंदा, 8 पहर दिन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै। जदों कोई बंदगी करदा साध संगत तों आपे प्रगट हो जांदा। महात्मा दा जिहड़ा असल चैनल है ना, उह तां नाम ही है। भगत रविदास महाराज दे वेले किहड़े चैनल हुंदे सी, नामदेव दे वेले किहड़े चैनल हुंदे सी, अज उन्हां दा नाम है क्योंकि उन्होंने नाम नूं जपिया। फिर बाबे बकाले मक्खण शाह ने प्रगट किया, तो उस समय ते धीर मल महाराज का सका भतीजा उन्हें ईरखा की, शीहें मसंद तो गुरु ते गोली भी चलवाई।
फिर महाराज आखन लगे इत्थे कलेश पै गया, हुण इत्थे रहना ठीक नहीं। फिर वह जगह नूं छड के कीरतपुर आए। कीरतपुर भी बड़ा भारी कलेश सी, इस करके कीरतपुर तो जाके फिर आनंदपुर नूं बसाउणा कीता। आ दिनां दे विच पोह दे महीने च गुरु जी ने साध संगत आनंदपुर नूं छड्डिया। साहिबजादे माता गुजर कौर महल दोए माता सुंदर कौर साहिब कौर नाल सी। माता जीतो जी तां पहलां ही सचखंड चले गए सन। बाबा अजीत सिंह दा जन्म माता सुंदर कौर दे पेटों पौंटा साहिब दी धरती ते होया है। बाकी दे तिन्ने साहिबजादियां दा जन्म माता जीतो दी कुखों होया है। माता साहिब कौर दी कोई अपनी औलाद नहीं सी, महाराज ने डोला कुआरा रखिया। आखिया कि असी खालसा जिहड़ा साजे है खालसा पुत्र तुहाडी झोली च पा दित्ता, हुण तुसी खालसे दे माता हो। खालसा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा नादी पुत्र है, साहिबजादे बिंदी पुत्र हन। नादी ते बिंदी दा फर्क यह हुंदा है जिहड़ी औलाद माता पिता दे संबंधां तों पैदा होवे बिंदी औलाद होया करदी है, जिहड़ी गोद लई गई होवे औलाद उहनूं नादी औलाद कहिंदे हन। साध संगत खालसा नादी औलाद है गुरु गोबिंद सिंह दी। महाराज ने आनंदपुर नूं छड्डना, आनंदपुर अठ महीने दा लम्मा घेरा पिया रहा। कई सिंह भुख तो तंग आके बेदावा भी दे के चले गए। बाद विच फिर मुक्तसर उन्हां ने टुट्टी गंढाली, आपां उन्हां सिंघां नूं कह दिंदे आ बेदावा दे के चले गए। उन्हां ने कुरबानी तां कीती, जंगां तां कीतियां, भुखां तां कट्टियां, आपां रज्जे पुज्जे बेदावा दी बैठे आ गुरु नूं। कोई अमृत वेले जाग के बाणी नहीं पढ़नी, गुरु घर मत्था नहीं टेकना, साध संगत की ये बेदावा नहीं। आपां कहने भी महा सिंह वह बेदाविया सी नहीं, उन्होंने तो कुरबानी की, बाद विच टुट्टी गंढाली गढ़ा भी ली, अपना की बनूंगा। साध संगत अमृत वेले नहीं जागते, गुरबाणी नहीं पढ़ते, की ये बेदावा नहीं। फिर उस समय ते गुरु जी बड़िया मुसलमाना ने तो कुराना दियाँ कसमां खादियाँ, पहाड़ी बाई धार दे राजे भीम चंद वर्गिया ने गऊं दियाँ कसमां खादियाँ। ये भीम चंद राजे का जिहड़ा दादा सी तारा चंद, ये छेवें पातशाह ने तारा चंद नूं साध संगत जी ग्वालियर दे किले की कैद विच्चों कढ़िया सी। छेवें पातशाह ने छेवें पातशाह दसवें पातशाह दे दादा जी लगते सन, जिन्हां दे दादे ने ये भीम चंद दे दादे नूं ग्वालियर दे किले की कैद विच्चों कढ़िया सी, वह भुल गया, अकिरत घन हो के गुरु का दुश्मन बन बह गया। ये जिहड़ी कीरतपुर वाली जगह, ये राजे तारे तारा चंद तो छेवें पातशाह ने मुल खरीदी सी। छेवें पातशाह ने कीरतपुर साहब वसाया है। साध संगत छेवें पातशाह ने सो फिर अपनियां कसमां तो मुकर के जदों गुरु जी कीरतपुर कोल आए तो उस समय ते हल्ला कर दिता। फिर इन्ने नूं गुरु साहब दा काफला जिथे परिवार विछोड़ा है इत्थे पहुंचिया। उच्ची टिब्बी ते महाराज ने दीवान सजाया, नितनेम कीता ये दसन वास्ते के सिंघा जिन्ना मर्जी औखा समा तेरे ते आ जावे कदे भी अपना नितनेम ना त्यागी तू। ये दसन वास्ते हुण आपां चंगे भले रज्जे पुज्जे नितनेम करन वास्ते तैयार नहीं। कई वारी तां साडा अमृत वेला भी दिन दे 9 बजी हुंदा है। साध संगत गुरु ने जंग दे मैदान विच नितनेम नहीं छड्या, ये दसन वास्ते भी औखा समा आवे भावें सौखा होवे समा नितनेम नहीं कदे छड्डना, बाणी पढ़नों नहीं हटना। सरसा दे किनारे ते साध संगत गुरु जी दा परिवार तीन हिस्सों दे विच वंडिया गया। छोटे साहबजादे माता गुजर कौर वखरे हो गए, सरसा भी चढ़ी हुई सी, सरसा दे विच हड़ आया होया सी। ये कह लो भी जल देवता भी गुरु दे परिवार दे चरण चुम्मन वास्ते आया।
जे चाहुंदे गुरु जी तां सरसा दी की ताकत सी वी हड़ आ जांदा। उह जल देवता महाराज दे परिवार दे चरण च मनाया सी, क्योंकि जल अग हवा इह तां सारा कुछ गुरु दे पै च है। जे एक बचन कर दंदे शांत हो जाना सी सरसा ने, पर गुरु है ना जेड़ा उह कहिंदा है तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। साध संगत उत्थे फिर महाराज का परिवार तीन हिस्सों च वंडिया गया। महल माता साहब कौर सुंदर कौर, भाई जवाहर सिंह धन्ना सिंह, भाई मणि सिंह इन्हां दे नाल दिल्ली वल चले गए। सौक सिंह सरसा दे विच्चों पार होया गुरु साहब दे समेत, जिन्हां दा अगे रोपड़ा दे रंगड़ा ने हल्ला कर दिता। तां फिर काफी सिंह शहीद हो गए, 40 सिंह रह गए ते गुरु जी आप रह गए, वड्डे साहबजादे रह गए। छोटे साहबजादियां दा विछोड़ा हो गया, माता गुजर कौर दे नाल वक्खरे हो गए। ओ समां सार संगत बड़ा कठिन सी, अगे पिछे सज्जे खब्बे दुश्मन ही सन। किसे ने सच कहा जदों वक्त इंसान ते आण पैंदा है, सप रस्सियां दे बन बन डस जांदे, खोटे खरे दी ना उदों परख रहिंदी, सज्जन सज्जना तों पासा वट जांदे। जदों आ सुखां वेले सुख में आण बहुत मिल, बैठत रहत चौहों दिस घेरा है, बिपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नेरा है। ये सुखां दे संगी ने संसार दे लोग तां। ओ समय ते गुरु महाराज नूं कोई पनाह देण वास्ते भी तैयार नहीं सी।